अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में ऐसे काफ़ी मरीज हैं जिनको आँखों में मोतियाबिंद है और पैसों की कमी, आर्थिक तंगी की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन मर्जिया शानू पठान की तरफ से पिछले कुछ महीनों से लगातार कैंप लगाया जा रहा है, जिसके द्वारा जो मोतियाबिंद जिनकी आँखों में है उनका ऑपरेशन फ्री में कराया जा रहा है। लगभग 13वां आज कैंप ये लगाया गया है अमृत नगर दरगाह गली में, और मर्जिया शानू पठान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे आप कि ये 13वां कैंप लगाया गया है। और ऐसा जानकारी दिया जा रहा है कि करीब 1500 लोगों का अब तक ये मुफ्त ऑपरेशन हो चुका है। आज भी कैंप लगाया गया है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है, आपकी तरफ से बस भी चलती है, कितने लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। पिछले एक साल से हम ये संकल्प किए हैं कि मोतियाबिंद मुक्त मुमरा कौसा करेंगे। उस संकल्प के ज़रिए हमने हर महीने कैंप लिया, हर महीने मोतियाबिंद के लोगों के मुफ्त में ऑपरेशंस कराए। अभी तक 1500 से ज़्यादा लोगों के मुफ्त में ऑपरेशंस हो चुके हैं। आज हमारा 13वां कैंप है, क्योंकि हमको एक साल पूरा हो चुका है तो हमने ये मेगा कैंप रखा है। अब इसके अंदर हम 200 लोगों को आज ऑपरेशन के लिए भेजने वाले हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने चेकअप करवा लिया है, रजिस्टर। अभी किसी को कुछ और प्रॉब्लम रहती है, किसी का आँख का पानी रहता है, किसी को चश्मा रहता है, तो वो सारे चेकअप तो हो ही जाते हैं वो लोगों के। बट उसके साथ में जो सिर्फ मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले जो केसेस हैं वो 200 इंशाल्लाह आज होंगे। अच्छा, मोतियाबिंद के अलावा और भी जो ऐसे आँखों से आंसू गिरता है या और भी कुछ चश्मे का प्रॉब्लम, उसका भी यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जी। जो चश्मे का और आँखों से पानी गिरता है उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो उनको पनवेल में बुलाते हैं, वहाँ पर उनका चेकअप होता है, देन आगे का प्रोसीजर होता है उनका, जो भी रहता है प्रोसीजर। फॉर नाउ हम लोग मोतियाबिंद को टारगेट कर मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त में कराते हैं। तो आज सुबह से ये कैंप लगा है, लगभग कितने लोग यहाँ पर आए, अब तक कितने लोगों को भेजा गया है? अभी भेजा तो नहीं गया, अभी तक के साथ में जाएंगे सब लोग ना, तो अभी जब 3:30 बजे सब लोग साथ में जाएंगे इंशाल्लाह, तकरीबन आप समझिए 200 लोग इंशाल्लाह जाएंगे साथ में। पर रजिस्टर जो है, जो चेकअप आप बोल रहे हैं, जो रजिस्टर हुआ है वो 500+ हुआ है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके यहाँ पर लिए जाते हैं? और ऐसा भी एक बात आ रही सामने कि मुंब्रा कौसा के से जो बाहर के लोग हैं, क्या वो भी आके यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं? जी, मैं यही चीज़ कहना चाहती थी। पहली चीज़ कि हाँ, हमने ये संकल्प मुंब्रा कौसा के लिए शुरू किया है कि मुंब्रा कौसा मोतियाबिंद मुक्त मुंब्रा कौसा हो। पर बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, कि जो मुंब्रा में जो लोग रहते हैं उनके रिलेटिव्स अगर बाहर रहे, जैसे गांव साइड में ज़्यादातर, और वहाँ पे वो नई फैसिलिटी ऐसी उनको मिल पाती है, तो वो यहाँ पर बुलाते हैं और हम उनका यहाँ पर ऑपरेशन करवाते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, आपका भारत देश में आपका भारतीय नागरिक होने के लिए बस आपका आधार कार्ड चाहिए, कहीं भी रहते हो आप, और आपका राशन कार्ड चाहिए कहीं का भी भारत देश का, बस दो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो है आज बड़ी संख्या में जो कैंप लगाया गया है, ये जो है यहाँ पर इलाज के लिए बैठे, आपको दिखाएंगे कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्योंकि सिर्फ मोतियाबिंद जो है उसका ऑपरेशन किया जाता है, वो भी फ्री में। इसके अलावा आँखों में और भी किसी तरह की तकलीफ़ है तो उनका भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे आँखों से आंसू आना या फिर आँखों में जलन होना, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उनका भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो है 13 कैंप मर्जिया शानू पठानी की तरफ से आयोजन किया जा चुका है, और इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 1500 लोगों का अब मोतियाबिंद का अब तक सफल ऑपरेशन हो चुका है।